Let's start the separation techniques now. So we have seen that whatever the type of solution we are having the two solution, collider, suspension. ठीक है? तो हमारे पास तीन तरह के solutions आते हैं. अब जहाँ पर हमारे पास solute है, solvent है. Okay? Now in the separation techniques we will be discussing that how we are going to separate these components. अब मेरे को जो solution में present है solute या solvent और whatever the other components are, I want to basically separate them now. मुझे सॉल्यूट अलग करना है या एक कंपोनेंट अलग करना है और दूसरा कंपोनेंट अलग करना है. ओके, फॉर द सस्पेंशन, अगर आप सस्पेंशन की बात करो, सस्पेंशन दे आर एक्चुअली हेट्रोजीनियस इन नेचर. ये हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं तो आपको क्लियरली दिखता है कि सॉल्यूट कहाँ पर है, सॉल्वेंट कहाँ पर है. So you can easily separate them by using any of the physical methods like filtration. आप filter कर सकते हो उनको, sedimentation, decantation apply कर सकते हो उनके ऊपर. Clear? सीविंग छान सकते हो उनको बेटा, यू कैन सीव देम द सॉल्यूशन. तो इफ वी आर हैविंग सस्पेंशन फिर तो काम बहुत इजी है, राइट? इफ वी आर हैविंग सस्पेंशन देन इट इज वेरी इजी टू सेपरेट देम बाय एनी ऑफ द फिजिकल मेथड्स दैट वी नॉर्मली एम्प्लॉय एट आवर होम्स आल्सो. ठीक है, चाय में से चाय पत्ती को सेपरेट करते हो आप, सीव करते हो. ठीक है, sedimentation, decantation भी आप घर में normally use करते हो. So these methods they can be very easily used. Filtration, filter करते हैं हम चीजों को. But now coming to the next one, जो हमारे बाकी दो हैं, that are collides and true solution. जिनमें जो solute और solvent है वो इस तरह mix हुआ हुआ है कि दैट वी डोंट नो वेयर इज द सॉल्यूट कंपोनेंट एंड वेयर इज द सॉल्वेंट कंपोनेंट. तो जब हमें पता ही नहीं है तो हम सेपरेट कैसे करें फिर, राइट? सो इफ वी डोंट नो वेयर दीज कंपोनेंट्स आर एक्चुअली प्रेजेंट, सो हाउ इट इज पॉसिबल टू सेपरेट देम. ओके, सो फॉर दीज मेथड्स वी विल बी एम्प्लॉइंग सम ऑफ द केमिकल टेक्निक. तो हम इनको कुछ केमिकल टेक्निक्स के साथ क्या करेंगे, हम इनको सेपरेट करेंगे. तो वो हमारी कौन सी हो जाती है, सेपरेशन टेक्निक. ओके, तो सबसे पहले सेपरेशन टेक्निक्स है. सबसे पहले जो सेपरेशन टेक्निक है हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज इवेपोरेशन. द फर्स्ट सेपरेशन टेक्निक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इवेपोरेशन. यू ऑल नो व्हाट इज इवेपोरेशन. हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ के आए हैं कि इवेपोरेशन एक्चुअल में है क्या. ठीक है, तो आपको जनरल सी डेफिनेशन इवेपोरेशन की क्या पता है, यहाँ पर जो पानी है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स वो क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है. ठीक है, यही पढ़ के आते हैं ना, दैट द वाटर इट इज बीइंग इवेपोरेटेड इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स. ओके, बट अब हम इस डेफिनेशन को थोड़ा सा मोल्ड करके बात करें, है वही चीज. ठीक है, काम हम वही कर रहे हैं, बस थोड़ा सा मोल्ड कर देते हैं. दैट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट आर टू कॉम्पोनेंट्स, वन इज वोलाटाइल and the other one is non-volatile. One is volatile and the other one is non-volatile. अच्छा, एक चीज और, this technique is basically can be asked to you in the form that how to separate dye from ink. In your NCERT, this is mentioned under the heading of this. How we are going to separate dye from the ink. अब यहाँ पर बच्चों को main confusion किसकी होती है? देखिए, अभी हमने ये confusion clear कर लेनी है, क्योंकि दो methods हैं, दोनों में confusion होती है. अगर तो आप तो components of ink separate करने को कहा है, ink कोई भी हो सकती है बेटा, ब्लू इंक है या ब्लैक इंक है, कोई भी इंक आपको दे सकते हैं.
ओके, ब्लू इंक या ब्लैक इंक के अगर आपने कंपोनेंट्स सेपरेट करने हैं, एनी थिंग कैन बी आस्क्ड टू यू. कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स का मतलब क्या है? दैट आई वांट टू सेपरेट द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट. ठीक है, मुझे सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो किसके सेपरेट करने हैं? इंक के. देन वी विल बी एम्प्लॉइंग द मेथड ऑफ इवेपोरेशन. तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? इवेपोरेशन. अगर आपसे पूछते हैं हाउ टू सेपरेट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ डाई, अगर आपसे पूछते हैं हाउ टू सेपरेट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ डाई, देन यू विल बी एम्प्लॉइंग द क्रोमैटोग्राफी मेथड. हियर दिस थिंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि दोनों में कुछ खास ज्यादा डिफरेंस नहीं है. बच्चों ने लास्ट टाइम बच्चे क्या करते हैं, वो देखते हैं इंक लिखा हुआ है, चलो इवेपोरेशन लिख दिया. अगर यहाँ पर डाई भी लिखा होता है तो भी वो इवेपोरेशन लिख देते हैं. बट दैट इज नॉट करेक्ट. ठीक है, तो ये आप अपने पेज के टॉप पे लिख सकते हो कि अगर आपसे इंक के कॉम्पोनेंट सेपरेट करने को कहा है तो यू विल बी यूजिंग इवेपोरेशन मेथड, और अगर आपसे डाई के कॉम्पोनेंट सेपरेट करने को कहा है देन यू विल बी यूजिंग द क्रोमेटोग्राफी मेथड. क्योंकि इंक जो है वो किसकी बनी हुई है? इंक इज फॉर्म्ड फ्रॉम डाई एंड वाटर. तो जब मैंने इंक के कंपोनेंट्स अलग करने हैं, यानी कि मैंने डाई अलग करनी है और पानी अलग करना है, तो इवेपोरेशन. बट जब मुझसे डाई कहा गया है तो डाई में नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं, तो वो हम क्रोमेटोग्राफी से करेंगे. ओके, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन क्रोमेटोग्राफी. यार बेटा यहाँ तक समझ आया? ये पेज के टॉप पे लिख लेना है आपने कि अगर इंक पूछा है तो इवेपोरेशन है और अगर डाई पूछा है तो क्रोमेटोग्राफी, सो दैट इट शुड नॉट क्रिएट कंफ्यूजन टू यू. क्लियर? अब हम अपने मेन पे चलते हैं, दैट इज दिस, जहां मैंने आपको बताया है कि इंक जो है दैट इज कंसिस्ट फ्रॉम डाई एंड वॉटर. इंक किसकी बनी हुई है? इंक किसकी बनी हुई है? इंक डाई और वॉटर की बनी हुई है. ओके, तो वाटर के लिए जहां पर पानी आ गया इसका मतलब मैं वहां पर क्या लगा सकती हूँ? इवेपोरेशन मेथड एम्प्लॉय कर सकती हूँ. आई कैन यूज द इवेपोरेशन मेथड हियर. अब यहाँ पर मैंने दो चीजें लिखी हैं, एक वॉलेटाइल लिखा है, एक नॉन वॉलेटाइल लिखा है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल? वॉलेटाइल मीन्स जो सब्सटेंसेस वेपर्स की फॉर्म में उठ जाती हैं, दे लीव द रिएक्शन मिक्सचर. ठीक है, इवेपोरेशन की डेफिनेशन को थोड़ा सा मोल्ड करके बता रही हूँ कि जहां पर कुछ चीजें जो है वो वेपर्स की फॉर्म में क्या कर जाती हैं, निकल जाती हैं और पीछे जो है दूसरा प्रोडक्ट जो है वो रह जाता है. ओके, तो यहाँ पर आपका वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट कौन सा है? दैट इज द वॉटर. वॉटर इट विल बी कन्वर्टेड इन टू वॉटर वेपर्स एंड इट विल लीव द मिक्सचर. और जो नॉन वॉलेटाइल है, अब पानी उड़ गया, पीछे क्या रह गया? डाई. So your non-volatile component here is dye. तो आपको अब थोड़ा थोड़ा आइडिया होना शुरू हो जाएगा. हाँ जी, आपको एक आइडिया हो गया कि हमने इस मिक्सचर में क्या करना है, इस टेक्निक में क्या करना है. हमने पानी को बॉइल करवाना है, ठीक है, पानी को हमने इवेपोरेट करवाना है और पीछे क्या रह जाएगा? डाई रह जाएगा. क्लियर? इज दिस मेथड क्लियर? ओके, अब करवाना कैसे है? नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम ये मेथड कैसे प्रोसीड करवाएंगे. सी, योर डाई इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. जो हम डाई करते हैं ना, डाई लेते हैं, राइट, डाई दे आर एक्चुअली द ऑर्गेनिक कंपाउंड. जिनको हम डायरेक्टली हीट नहीं करते हैं, वी डोंट हैव टू हीट देम डायरेक्टली. ये नहीं है कि आपने डाई ली और आप उसको डायरेक्टली जो है वो हीट करना शुरू कर दो. नो, ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू डू एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर दिस. एक्सपेरिमेंटल सेटअप दैट इंक्लूड द इनडायरेक्ट हीटिंग. मैं उसको डायरेक्ट हीट नहीं दूंगी, बट मैं एक इनडायरेक्ट वे से उसको हीट प्रोवाइड कर दूंगी. कैसे?
एक बीकर लेना है मैंने, बीकर में मैंने वाटर लेना है, आई विल बी टेकिंग वाटर इन द बीकर, ठीक है। इसके ऊपर मैंने वॉच ग्लास रखनी है, आई विल बी प्लेसिंग अ वॉच ग्लास ओवर इट। ठीक है, ओके। एंड देन हमने यहाँ पे एक बर्नर जो है वो फिक्स करवाना है, दिस इज द बर्नर है, राइट। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने अपने बीकर में पानी ले लिया है, दिस इज माय बीकर एंड हियर आई हैव टेकन वाटर इन दिस बीकर, दिस इज द वॉच ग्लास, दिस इज द बर्नर, आई एम गोइंग टू हीट द वाटर, पानी को हीट करना शुरू करना है, ठीक है। और इसके टॉप पे हम ले लेते हैं डाई, यहाँ पर मैंने डाई का मिक्सचर डाल दिया है, सॉरी इंक का मिक्सचर, ink that consists of dye and water, clear। So इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी ink जो है वो डाल दी है, that is basically dye and water। तो मैंने अब इसमें से water separate करना है, क्या करेंगे, ये जो burner है आपका ये इसको heat करना provide करेगा, ठीक है, ये water को heat करना शुरू करेगा, it will start giving its heat to the water, ultimately the water will start boiling, पानी जो है वो आपका बॉयल होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, यस द वॉटर इट विल स्टार्ट बॉइलिंग। तो जब वो बॉयल करेगा तो वो अपनी हीट कहां पर ट्रांसफर करेगा, इस वॉच ग्लास पे, राइट, इस वॉच ग्लास पे वो क्या करेगा, वो अपनी हीट जो है वो ट्रांसफर करेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो वॉच ग्लास के ऊपर इंक है अब ये हीट लेना शुरू करेगी, ठीक है। तो डायरेक्ट हीटिंग नहीं दे रहे हैं हम, इनडायरेक्ट हीट दे रहे हैं फ्रॉम द हीट ऑफ द वाटर, ठीक है। जो पानी है, पानी में से जो वाटर वेपर्स निकल रहे हैं वो वॉच ग्लास को टच करेंगे एंड दे विल बी ट्रांसफरिंग द हीट टू दैट वॉच ग्लास। तो फिर वॉच ग्लास के ऊपर ये जो डाई है इट इज गोइंग टू रिसीव दैट हीट, और धीरे धीरे क्या होगा इन दिस इनडायरेक्ट हीटिंग मेथड, धीरे धीरे जो पानी है दैट विल इवेपोरेट और पीछे आपका कौन सा कंपोनेंट रह जाएगा, डाई, ओके, बिकॉज इट विल इवेपोरेट, ये हो जाएगा इवेपोरेट और पीछे आपका क्या बच जाएगा, द डाई कंपोनेंट, सो दिस मेथड इट कैन बी यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल वेयर वी कैन सेपरेट द सॉल्ट सी वॉटर इवेपोरेशन, राइट, there we will be using the sun's heat in order to evaporate that water. Now coming to the second method. Done with the first method, clear ho gaya beta sabko? Theek hai? Chaliye. Let's do the next one. इनकी जो वीडियोस हैं मैं आपको कल दोनों की वीडियोस दिखा दूंगी, ठीक है, इवेपोरेशन की भी और जो नेक्स्ट मेथड कर रहे हैं, ओके, तो आपको एक आइडिया पहले हो जाए उसके बाद हम इसकी वीडियोस देखें, राइट, चलो। सो द नेक्स्ट मेथड इज सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। क्या मेथड है, सेंट्रीफ्यूगेशन, ये भी आपको थोड़ा सा आइडिया है, हम पढ़ के आए हैं वैसे। नाउ दिस मेथड इज पर्टिकुलरली यूज फॉर द कोलाइडल सॉल्यूशन। जब हमने कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो मैंने वहां पे आपको बताया था दैट दे सेटल डाउन ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन। तो जब हम इनको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो ये क्या कर जाते हैं, ये सेटल डाउन हो जाते हैं, बताया था ना आपको। सो दिस मेथड इज पर्टिकुलरली एम्प्लॉयड फॉर द कोलाइडल सॉल्यूशन वेयर, अब कोलाइडल सॉल्यूशंस में क्या है, दे आर हैविंग द कंपोनेंट्स दैट आर मर्ज्ड इन इट, दे अपीयर टू होमोजेनियस बट एक्चुअली वो क्या है, हेटरोजेनियस है,
तो जब आप उसको बहुत ज्यादा हाई स्पीड पर रोटेट करोगे तो वो कॉम्पोनेंट्स जो हैं दे विल सेटल डाउन बीइंग हैवियर इन साइज। ठीक है, तो हर एक मेथड का हमने क्या क्या दिखाना है, वी हैव टू राइट द प्रिंसिपल ऑफ ईच एंड एवरी मेथड और यू मस्ट बी नोइंग द प्रिंसिपल ऑफ ईच एंड एवरी मेथड। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं, आपको प्रिंसिपल पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, कैसे आप इसको सेपरेट करोगे, इसमें कौन कौन सी एग्जाम्पल्स आप कंसिडर करते हो, ओके व्हाट एग्जाम्पल्स यू आर कंसिडरिंग हेयर एंड व्हाट आर द अदर एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड। तो ये चार चीजें आपको हर एक सेपरेशन टेक्निक के लिए पता होनी चाहिए, प्रिंसिपल, प्रोसीजर, एग्जाम्पल्स एंड एप्लीकेशन, कि और कहां हम इस मेथड को यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसके प्रिंसिपल पे चलते हैं, जैसे इवेपोरेशन का प्रिंसिपल था कि हमने वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स को सेपरेट किया है ऑन हीटिंग, तो इसका क्या प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड इज दिस दैट हेयर देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स द हैवियर वन एंड द लाइटर वन। ठीक है, यहाँ पर दो तरह के पार्टिकल्स हैं आपके पास, एक है हैवियर साइज के और एक है लाइटर पार्टिकल। ओके, इन द कोलाइडल मिक्सचर यू आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, द वन आर द हैवियर वन एंड द वन आर द लाइटर। ठीक है, हाँ जी, क्लियर हुआ, क्लियर। और इसमें हम क्या कह सकते हैं, अब देखो क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन में मुझे दोनों तो दिख नहीं रहे हैं, where is the one particle and where is the other particle, so you can say that in this technique we will be separating the components, okay, in this technique we will be separating the solid particles that are suspended in the liquid, okay, so here the solid particles are suspended in liquid, जैसे मैंने आपको मिल्क की एग्जाम्पल दी है, मिल्क में फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये सारी चीजें हैं बट हमें नजर नहीं आती, दैट मींस ये जो सारे सॉलिड चीजें हैं ये उसमें सस्पेंडेड हैं, ये उसके ऊपर तैर रही हैं, ये उसके इन बिटवीन हैं, ओके, सो दे कैन बी इजीली सेपरेटेड, राइट। सो दिस टेक्निक इट मेक्स यूज ऑफ द सेपरेशन ऑफ द हैवियर एंड द लाइटर पार्टिकल्स, और दिस टेक्निक इज बेसिकली यूज टू सेपरेट the solid particles that are suspended in the liquid, okay, right, principle clear ho gaya, ki principle mein humne kya kiya hai, to principle mein hum bata rahe hain ki hamare paas do tarah ke particles hain, ek heavier hai ek lighter hai, unko hum kya karenge, unko hum separate karenge, right, kaise separate karenge, we will be rotating them at very very high speed, we will be rotating them at very very high speed, to high speed pe kya hogi unki rotation hogi jisse kya honge heavier aur lighter particles jo hain wo separate ho jayenge, jo aapke heavier particles hain wo niche baith jayenge here, okay, to jo aapke heavier particles hain wo niche settle down ho jayenge aur jo lighter hai wo aapko aise upar nazar aayenge, so this is the lighter one and this is the heavier one. Clear, so the denser particles, the heavier particles, they are forced to settle down at the bottom and the lighter particles they will stay at the top, so jo lighter particles hain wo upar rahenge aur jo heavier particles hain wo niche baith jayenge, jab aap usko kya kar rahe ho, when you are rotating them at very very high speed, okay, so the denser particles are forced to settle down at the bottom and the heavy lighter particles they are forced to present at the top when they are basically rotated at very very high speed, so high speed rotation jo hai wo isme involve ho rahi hai, theek hai,
क्यों करना पड़ रहा है हमें हाई स्पीड पर रोटेट? क्योंकि यहाँ पर जो सॉलिड पार्टिकल हैं वो ऐसे हमें नजर नहीं आ रहे हैं, दे आर नॉट विजिबल टू अस एट नेक्ड आई, बट दे आर प्रेजेंट देयर। ठीक है, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो एज इट इज हमें नहीं नजर आ रहे हैं नेक्ड आई से, बट दे आर सस्पेंडेड इन द लिक्विड। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू सेपरेट देम, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्मॉल साइज के हैं तो हमें नेक्ड आई से नजर नहीं आ रहे। तो अगर नेक्ड आई से नजर नहीं आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम उसको बहुत ज्यादा हाई स्पीड पर रोटेट करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो हैवियर पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको करते किसमें है, मशीन। व्हाट मशीन वी नॉर्मली यूज फॉर डूइंग द सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड? सो द मशीन दैट इज यूज्ड फॉर दिस मेथड वी कॉल्ड दिस एज सेंट्रीफ्यूगल मशीन। ठीक है, इस मशीन को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल मशीन। और अगर आपने एक डेली लाइफ एग्जांपल देखनी है सेंट्रीफ्यूगल मशीन की, सो यू ऑल आर हैविंग मिक्सर ग्राइंडर्स एट योर होम। आप सबके घर में मिक्सर ग्राइंडर्स हैं। ठीक है, तो मिक्सर ग्राइंडर जो है वो एक तरह से सेंट्रीफ्यूगल मशीन का काम करते हैं, जिसमें जब आप बेसिकली इस मेथड को यूज करोगे, हम क्या करते हैं, यू नॉर्मली यूज दिस मेथड एट योर होम in order to separate the butter from cream। तो आपके घर में ये मम्मा जो हैं आपके, ये मेथड यूज करते हैं, जो आपके घर में क्रीम आती है दूध से, ठीक है, मिल्क की जो ऊपर क्रीम होती है उसको वो जार में डालते हैं ना ग्राइंडर में, और उसको बहुत स्पीड पे रोटेट करते हैं, तो होता क्या है कि जो बटर है वो फ्लोट करना शुरू कर देता है, होता है ना ऐसे, जो बटर है वो फ्लोट करना शुरू कर देता है। तो दिस इज द डेली लाइफ एग्जांपल ऑफ दिस मेथड। तो यहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूगल मशीन है वो क्या है, आपका मिक्सर ग्राइंडर है, योर मिक्सर इज एक्टिंग एज द सेंट्रीफ्यूगल मशीन इन विच वी आर बेसिकली सेपरेटिंग बोथ द कॉम्पोनेंट्स। ओके, ठीक है, अब हम ये मेथड जो है वो अपनी लैब में भी यूज करते हैं, क्योंकि घर वाली जो मिक्सी है वो तो हम यहाँ पर नहीं ला सकते, सो वी आर हैविंग अ सेंट्रीफ्यूगल मशीन हियर आल्सो। तो उस मशीन में हम कैसे यूज करते हैं, देख लीजिए, मैं कल आपको इसकी इमेज दिखाऊंगी। तो एक राउंड सी हमारे पास एक मशीन होती है, जैसे आपका मिक्सर है ना वैसे एक राउंड सा मशीन होती है हमारे पास। ओके, उसके बीच में एक प्लेट है एंड द प्लेट इज हैविंग होल्स इन इट, ऐसे करके उसके बीच में एक प्लेट लगी होती है एंड द प्लेट इज हैविंग होल्स इन इट। उन होल्स के अंदर हम क्या करते हैं, हम टेस्ट ट्यूब डालते हैं उन होल्स के अंदर हम अपने मिक्सचर के साथ। जैसे मैंने मिल्क ले लिया, ठीक है, मिल्क ले लिया, मिल्क के कॉम्पोनेंट्स ले लिए, या क्रीम ले लेते हैं, या हमारे पास कुछ ऐसे प्रेसिपिटेट्स भी आते हैं जिनको हमें सेपरेट करना पड़ता है, पीपीटीज आते हैं हमारे पास, ठीक है, जब हम लैब में काम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो अपना सैंपल है उसको टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, टेस्ट ट्यूब हम इनके बीच में डालते हैं। ओके, हम टेस्ट ट्यूब को इनके बीच में डालते हैं, फिर इसको हाई स्पीड पर रोटेट करवाते हैं, राइट, आफ्टर रोटेशन, ठीक है, थोड़े आधा मिनट के लिए या एक मिनट के लिए हम उसको रोटेट करवाते हैं। तो आफ्टर द रोटेशन यू विल सी कि उस टेस्ट ट्यूब में जो हैवियर कंपोनेंट है वो नीचे होता है और जो लाइटर कंपोनेंट है वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, जो हैवियर कंपोनेंट है वो नीचे बैठ जाता है और जो लाइटर कंपोनेंट है वो ऊपर आ जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड को आप एक और नाम से You can call it churning method। ठीक है, तो अगर आपको पेपर में पूछ लेते हैं that what do you mean by churning method, so that is same, centrifugation method or churning method। Okay, तो ये दोनों methods same है, right? अब दोनों की videos and the centrifugal machine I'll be showing tomorrow। ठीक है, ये दोनों वीडियोस इसके रिलेटेड और इसकी जो
इमेज है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन की, मैं आपको कल दिखाऊं, राइट। सो टिल नाउ वी हैव डन टू टेक्निक्स एंड सेपरेशन टेक्निक्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है। जैसे मर्जी 1 मार्क के 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो इसमें से पूछ लेते हैं इन द सेपरेशन टेक्निक्स, ओके। एनी डाउट बेटा, राइट। सो रेस्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो।